इस शादी में तो हम सब बाकी हैं। शामिल होइए इस सदी की सबसे यादगार शादी में। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। गर्मा गर्म समोसे, कचौड़िया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वाह वाह, ये सब देखकर किसी के मुंह में पानी ना आ जाए। आखिर इतनी खातिरदारी की तैयारी किस लिए? अरे भाई नायरा आज अपने ससुराल वालों के साथ अपने भाई नक्श के लिए अपनी ननद कीर्ति का रिश्ता लेके अपने मायके जो आई है, तो खातिरदारी तो होगी ही ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा। और जरा देखिए क्या सिंघानिया फैमिली और क्या गोयन का परिवार, सबके चेहरे आज खिले खिले हैं। और हो भी क्यों ना, दोनों परिवारों के बीच रिश्ता और पक्का जो होने जा रहा है। नायरा और गायू भी इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुश है, और उस पर उनके भाई नक्श की शादी का एक्साइटमेंट इनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये क्या, होने वाले दूल्हे राजा यानी नक्श के चेहरे पर 12 क्यों बचे हुए हैं? भाई दरअसल नक्श अपने बीते कल की कड़वी यादों को भुला नहीं पाए। बधाई हो, और बहन नायरा के समझाने पर आखिरकार नक्श शादी के लिए हाँ कर ही देते हैं। लेकिन अब कहानी का अगला ट्विस्ट ये कि आखिर किस तरह होगी नक्श और कीर्ति की शादी। जो सिंघानिया से वो चाहते हैं कि शादी उनके पहली बेटी की शादी है, और पहली शादी है तो धूम ऑब्वियसली तो धूमधाम से हो। और वहीं जो गोयनका से वो चाहते हैं कि क्योंकि कीर्ति दी की दूसरी शादी है, और दादी का ये मानना है कि उन्होंने शादी बस अपने अपने हो और एक मंदिर में हो और बस अपनी फैमिली हो और सब फैमिली के बीच शादी हो जाए, तो दोनों फैमिलीज की अलग अलग व्यू पॉइंट है। इस शादी में तो हम सब शामिल होइए इस सदी की सबसे यादगार शादी में। जी हाँ, कीर्ति की दादी सादगी से शादी करने की बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पहुँच जाती है नक्श की बुआ दादी, जो पहले ही इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं, और सादगी से शादी के नाम पर तो भड़क गया उनका गुस्सा। मारे सपने सपने देखे हैं लल्ला के वास्ते, वहाँ के ब्याह के वास्ते धूमधाम से शादी करेंगे ब्याह की। आपने कह दिया और मारे सब लोगों ने गना गना सुन लिया, तो जो हम चाहेंगे वही फैसला ले लेंगे। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई। लो जी, बुआ दादी ने तो ऐसी बातें करके बढ़ा दी दोनों फैमिलीज की मुश्किलें। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि दोनों परिवार मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आज तक ब्यूरो।